नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आइए जरा बात करते हैं एक नए चैप्टर पे, एक अच्छा चैप्टर जो मैंने आपको बताया है कि जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तभी आपको बताया होगा कि दो चैप्टर पूरी अर्थमेटिक की बैकबोन मानी जाती है, एक है परसेंटेज और एक है रेशियो। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, पूरी मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे रेशियो पे। रेशियो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आइए समझते हैं, क्योंकि इसी से जुड़ा है पार्टनरशिप, इसी से जुड़ा है एलिगेशन, इसी से मिक्सचर एंड एलिगेशन जुड़ा है, इसी से एज जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन इससे होते हैं, परसेंटेज में भी इसका यूज है। तो ये बहुत सारी डीआई में भी, आज के समय में जो डीआई आई है, अभी जो पेट वगैरह में डीआई आई है, तो इसमें भी रेशियो से ही डीआई बनाई गई है। तो जब मैं रेशियो आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक डीआई भी मैं आपको बताऊंगा उस टाइप का कि कैसे रेशियो में डीआई यूज होता है। तो आइए बातें करते हैं, बहुत अच्छा ही टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि रेशियो है क्या। इस चैप्टर को अगर मैं बोलूँ कि रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हम बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात एवं समानुपात का क्या मतलब है, तो जरा समझते हैं कि रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। तो रेशियो का अगर एक तरह से आप कहें मतलब, तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आपने कभी भी लिखा होगा तो आप ऐसे लिखते हैं कि ए रेशियो बी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बटे में बी। तो ये बटा लगने का मतलब हो जाएगा कि हम इसको एज कह सकते हैं कि डिवाइड, डिवाइड की तरह कार्य करता है, यानी ए में बी से डिवाइड किया जा रहा है। जब आप प्रोपोर्शन की बात आती है तो आप कैसे लिखते हो कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो आप क्या लिखते हो कि ए बटे में बी इक्वल सी बटे में डी। और ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इसी को हम समानुपात कहते हैं, यानी कि प्रोपोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू भी बोलते हैं, क्योंकि आप प्रोपोर्शन के लिए देख रहे हो क्या यूज हो रहा है, इक्वल टू यूज हो रहा है, इक्वल टू यूज हो रहा है। तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू। बात समझ में आ रही है। अब जरा इसकी डिफिनेशन के बारे में अगर बात किया जाए कि क्या है रेशियो और क्या है प्रोपोर्शन, तो रेशियो की जब हम बात करेंगे तो रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी। जो रेशियो होती है वो, यानी जो अनुपात होता है, वो दो समान राशियों की जब तुलना होती है तो उसे ही हम अनुपात कहते हैं। और जब मैं प्रोपोर्शन की बात करूंगा तो व्हेन कंपेयर ऑफ द टू सेम रेशियो देन इट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन, यानी जब दो अनुपातों की तुलना की जाती है तो वो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूँ समझिएगा, जब दो समान राशियों की, समान राशियों की तुलना होती है, जब समान राशियों की तुलना होती है, तुलना होती है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जब दो टू सेम रेशियो, कंपेयर ऑफ द टू सेम रेशियो, कंपेयर ऑफ द टू सेम रेशियो, टू सेम क्वांटिटी, यानी कि जब दो राशियों की, यानी कि दो सेम क्वांटिटी की जब तुलना की जाएगी, यानी राशियों की, यानी कि जो क्वांटिटी की कंपेयर किया जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे क्या, रेशियो। इसे हम क्या बोलेंगे, रेशियो। और ये याद रखिए कि जब दो रेशियो का कंपेयर किया जाएगा, जब दो रेशियो का कंपेयर किया जाएगा, यानी कि दो अनुपातों की तुलना की जाएगी, दो अनुपात की तुलना की जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, दो अनुपातों की तुलना क्या कहलाती है, समानुपात। यानी कि when compare of the two same quantity then it is called the ratio, while compare of the two same ratio then it is called the proportion। यानी कहने का मतलब यह है कि जब दो समान राशियों की तुलना की जाती है तो उसे हम अनुपात कहते हैं, और जब दो अनुपातों की तुलना की जाती है, जब दो अनुपात यानी टू रेशियो के कंपेयर किया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी, यानी कि रेशियो बनाने के लिए हमें सेम चीजें चाहिए, डिफरेंट चीजें नहीं हो सकती। जैसे हम नॉर्मली वर्ड में बोल देते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, हम बोलते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 है, ये जो हम बोल देते हैं ना बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, ये गलत है। कैसे बोलेंगे, द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स, यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है, नंबर का कंपेयर किया जाता है, क्योंकि लड़के और लड़कियां अलग चीज है। या आप इसको इस रूप में समझिए, जैसे मैंने ये आपको बोला कि अगर मैं कहूं कि लीटर और मैं कहूं कि किलोग्राम,
इन दोनों का कंपेयर करो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। तो हम अलग अलग क्वांटिटी को नहीं, या तो हमें बदलनी पड़ेंगी चीजें, जो बदलने लायक होंगी उनको बदलेंगे हम। तो इसलिए क्या होता है कि जब रेशियो को कंपेयर किया जाता है, इसलिए कहा भी गया है कि दो समान राशियों की तुलनाई क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। When compare of the two same quantity, then it is called the ratio. अब इसमें मैं आगे आपको एक बात छोटी सी बताता हूं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। तो रेशियो में कुछ चीजें आपको ये जाननी है कि रेशियो में आप क्या होता है कि जब किसी भी रेशियो में हम रेशियो में किसी भी संख्या से आप गुणा कर दें या भाग कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जो रेशियो में हम संख्याएं लिखती हैं वो संख्याएं एक को प्राइम नंबर की तरह होता है, यानी उनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं होता है। जैसे अगर हमने बोला कि 10:12, एक्चुअल में ये जो रेशियो लिखने का तरीका है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2×5=10 और 2×6=12 दोनों में 2 कॉमन है, जबकि मैंने बोला कि रेशियो लिखते समय ऐसा रेशियो लिखेंगे कि इसमें क्या है कि 5 और 2×5=10 और 2×6=12, तो ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब कि सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या होता है कि जब दो कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, यानी कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो 2×5=2×6, तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन था, तो ये रेशियो में नहीं लिखा जा सकता। तो रेशियो में लिखने वाली संख्याएं भी क्या होती है कि विदाउट कॉमन फैक्टर होती है, यानी उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो एक को प्राइम नंबर होता है। तो इसे हम रेशियो को इस रूप में लिखते हैं। अगली बात मैंने बोला था कि रेशियो में यानी कि अनुपातों में किसी संख्या से अगर आप गुणा कर दें या भाग कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रेशियो लिखा है 1:2:3, और अगर मैं कहता हूं कि इसमें मैं 5 से गुणा करना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर 5×5=5, 5×2=10 और 5×3=15। बात वही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको कट कर देंगे तो फिर से यही चीज बन जाएगी, और अगर डिवाइड का भी केस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ घटाना के लिए नहीं होता है, लेकिन गुणा भाग के लिए होता है कि किसी भी रेशियो में अगर आप किसी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात आपको समझना है कि रेशियो में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने एक वर्ड बोला था, एक मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूं, जैसे समझिए कि अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था कि मैंने कहा था कि रेशियो में क्या होता है कि दो सेम क्वांटिटी में कंपेयर होता है। तो जैसे मैंने अगर आपको एक क्वेश्चन दिया कि मैंने बोला कि 300 ग्राम का रेशियो निकालना है आपको किसके साथ? 1.2 केजी के साथ। तो अभी आप बोलोगे सर इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि दो सेम क्वांटिटी का ही कंपेयर हो सकता है, यहाँ ग्राम है यहाँ केजी है, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो इस केजी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कैसे होगा? तो आप देखिए कि ये 300 ग्राम होगा और 1.2 केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलोगे सर 1000 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और ये ग्राम हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि यहां से 10 से ये दशमलव हट जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, और यहां 20 ये और 20 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 3 और ग्राम से भी ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 3:12 हो जाएगा। तो 3×1=3 और 3×4=12, ये हमारा रेशियो बन जाएगा। आपको एक चीज यहाँ से दिखा कि जो ये ग्राम था ये ग्राम से ग्राम कट गया। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से एक बात हमें और पता चली कि रेशियो हैज नो यूनिट। अनुपात का कोई भी क्वांटिटी नहीं होती, कोई भी मात्रक नहीं होता, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता। जैसे हम चाल पढ़ते हैं, जैसे हम चाल या स्पीड पढ़ते हैं, तो जब आप स्पीड पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि दूरी बटा में समय। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है किलोमीटर पर आवर, या आपको मिलता है मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कोई भी आपको यूनिट नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यूनिट आपने देखा यूनिट कट जाता है, क्योंकि रेशियो होता है तो कट जाता है, तो इसलिए कोई आपको यूनिट नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दो बातें याद रखनी कि रेशियो को सेम क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद उसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बोलता हूँ, थोड़ा सा उसको भी लगाने का आप प्रयास करिए कि देखिए कैसे यूज किया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि 26:40 का आपको रेशियो लेना है किसके साथ? 1 घंटे के साथ आपको रेशियो लेना है।
तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेम क्वांटिटी नहीं है, तो सेम क्वांटिटी करना पड़ेगा। या तो इसको मैं घंटे में बदल दूं या इसको सेकंड में बदल दूं। तो ये थोड़ा बदलना आसान है, क्योंकि सॉरी ये इसको बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलेंगे तो सारा चीजें थोड़ा आसान हो जाएगी। तो 26 मिनट का मतलब कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि आप कर दोगे सर कि 26 गुणे 60, तो ये सेकेंड में बदल जाएगा, 26 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा, और प्लस ये 40 सेकेंड हो जाएगा। और आपको ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 गुणे 60 ये सेकेंड हो जाएगा। तो आपको क्या मिला कि 26 में 60 से गुणा कर देंगे तो 6 6 36, 6 और 6 2 12 3 15, तो 26 6 156 हो जाता है, और ये 0 1560 प्लस 40 सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 6 3600 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। तो आप देखिए सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि यूनिट नहीं होगा। अभी 1560 में 40 जोड़ देंगे तो ये 1600 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, और ये 4 9 36 हो जाएगा, 4 रेशियो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं कि जैसे आप देखिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, रेशियो में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं आपको समझाता हूं चीजें कि रेशियो कैसे निकाली जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि यहां पे मिनट और सेकंड था और ये घंटा था, तो मैंने सबको क्या कर दिया? सेकंड में चेंज कर दिया, या मैं चाहता तो सबको मिनट में चेंज करता, या मैं सबको घंटे में चेंज करता। किसी भी सेम में चेंज करेंगे तो ये आपका तब काम होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि किसी स्कूल में 224 स्टूडेंट है, इन स्कूल 212 स्टूडेंट। एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है, एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है, यानी कि कुल छात्र जो है, कुल छात्र कितने हैं, एक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 224 है, एक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 224 है। और मैंने कहा कि इसी स्कूल में जो गर्ल्स हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं, इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या 84 है। तो आपको बताना है कि बॉयज की संख्या क्या होगी, यानी कि लड़कों की संख्या, सॉरी, तो बॉयज की संख्या नहीं, आपको बताना है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। तो नंबर ऑफ द बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स का नंबर का रेशियो क्या होगा? बॉयज और गर्ल्स के रेशियो का नंबर क्या होगा, यानी इनके नंबर का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर टोटल स्टूडेंट कितना था? 224 था, और उसमें लड़कियां कितनी थी? 84 थी। तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? बॉयज निकल के आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी कि ये क्या निकल के आ जाएगा? ये बॉयज निकल के आ जाएगा, और ये क्या था? गर्ल्स था। तो बॉयज की जगह पे रखेंगे बॉयज 140, और गर्ल्स के जगह पे रखेंगे 84। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 84 भी 14 से जाता है, और ये तो जाएगा ही, तो 14 दहा में 140 और 14 6 84, और फिर काट देंगे 2 5 10 और 2 3 6। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे तो ऐसे ही हम इनका कंपेयर करेंगे, और ऐसे ही हम इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो रेशियो निकालने का ये तरीका होता है कि जो हमको टोटल स्टूडेंट दिया था, फिर हमको बोला था कि लड़कियां कितनी है? 84 है। बॉयज कितने हैं? तो हमने क्या कर दिया, यहां से 140 निकाल दिया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? बॉयज और गर्ल्स मिल गया, यानी 140 और 84 मिल गया। तो 10 रेशियो 6, यानी इसको हमने कैंसिल किया, तो 5 रेशियो 3 हो गया। एक चीज मैं और बताऊं कि रेशियो के कुछ टाइप होते हैं, वहां से क्वेश्चंस कई बार बने हैं। मैं जरा आपको वो चीज बता देता हूं कि रेशियो के टाइप कौन कौन से होते हैं। रेशियो के कुछ टाइप होते हैं, अनुपात के प्रकार होते हैं। कैसे कैसे रेशियो पूछता है कि टाइप ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार क्या है? तो पहला आता है डुप्लीकेट रेशियो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोहरा अनुपात, या इसी को हम बोलते हैं वर्गानुपात। क्या मतलब है दोहरा अनुपात और वर्गानुपात का? तो मतलब यह है, जैसे आप देखिए कोई संख्या दिया हुआ है कि 2:3, अगर एक संख्या दिया हुआ है और इसका बोल दे आपको क्या कि डुप्लीकेट रेशियो लिखिए, मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ DR, यानी डुप्लीकेट रेशियो। तो 2:3 का अगर आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछा है तो आप बोलोगे कि सर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 2 4 और 3 3 9।
यानी कि दो और तीन का डुप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये कभी भी एग्जाम में आ जाता है, नंबर देके आपसे पूछ देगा कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे तो रेशियो जो आएगा वही डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके बाद एक दूसरी बात आती है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो को हम बोलते हैं, दोहरा अनुपात हो गया, इसको हम बोलते हैं वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको एक नंबर दे दिया, मान लीजिए कि 9:16, आपको एक नंबर दे दिया 9:16, और इसका बोलेगा आपसे क्या बोलेगा कि SDR निकालिए, इसका मतलब कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो जब आप सब डुप्लीकेट रेशियो निकालोगे तो वर्ग मूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलता है, तो ये रूट में आ जाएगा 9:16, तो ये क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3:4 सब डुप्लीकेट रेशियो। तो आपको एक बात समझ में आया कि डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हुआ, कि जो दिया हुआ नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा, और जब दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। ये हुआ डुप्लीकेट, ये हुआ सब डुप्लीकेट। अब इसके आगे की मैं एक डिफिनेशन बताता हूं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में हम बात करेंगे कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, एक अगला डेफिनेशन है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं तिहरानुपात, या इसी को हम बोलते हैं घनानुपात, घनानुपात। ये कैसे निकलता है, तो जैसे मैं एक नंबर आपको बोलता हूँ, आपको एक नंबर दे रहा हूं कि एक नंबर आपको दिया हुआ है 2:3, और इसका कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो आप नाम से स्पष्ट है, समझ गए होंगे, घनानुपात यानी इनका घन करना है, यानी क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 होते 3×9 = 27। तो ये क्या होगा कि 2 और 3 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगा, 8:27 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब हो जाता है घनमूलानुपात, घनमूलानुपात। घनमूलानुपात का क्या मतलब हो गया, तो आप जरा समझिए कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है 27:64, और आपसे बोला कि इसका आप क्या निकाल दीजिए, इसका आप सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल दीजिए, यानी STR निकाल दीजिए, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया STR, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, यानी आपको क्यूब रूट निकालना है, तो 27:64 निकालना है। तो जब 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो बाहर आकर 3 हो जाएगा, और 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। एक रेशियो और है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेशियो या कंपाउंड रेशियो, तो जरा उसको समझते हैं कि मिक्स्ड रेशियो या कंपाउंड रेशियो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। 5 मिनट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि क्या होता है, सॉरी मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं इसे, या हम मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं या कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, मिक्स्ड रेशियो या कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मिश्रित अनुपात इसे बोलते हैं, मिश्रित अनुपात। क्या होता है मिश्रित अनुपात, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर A:B = 2:3 दिया है, B:C = 4:5 दिया है, और C:D = 5:6 ही दे दिया है यहाँ पे, या मान लीजिए 6:7 लिख लीजिए, 6:7 लिख लीजिए। तो अब क्या होता है, आप जान लीजिए कि मिक्स्ड रेशियो का मतलब होता है कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से रेशियो, यानी A का D से रेशियो। मिक्स्ड रेशियो का मतलब ये होता है
कि फर्स्ट वाले का लास्ट से रेशियो, तो ए का डी से रेशियो। तो जब भी ऐसा करना होगा, मिक्स रेशियो निकालना होगा, तो सबसे एक तो तरीका ये होगा कि हम सबका रेशियो बनाएं, और सबसे आसान तरीका होता है मिक्स रेशियो का, ये वाली लाइनिंग का एक साथ गुणा और ये वाली लाइनिंग का एक साथ गुणा। यानी कि आप बोलोगे सर दो चौके आठ छत 48 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 सते 105 हो जाएगा, और दोनों में 3 कॉमन है तो 16 × 48, और यहाँ से 3 से क्या हो जाएगा 35 × 105। यानी कि यहाँ से क्या मिल गया आपको, तो यहाँ से आपका मिल गया कि 16:35। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मिक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि पहली वाली लाइन का आखिरी वाली लाइन से अगर हम अनुपात निकाल देंगे तो ये हमारा मिक्स रेशियो होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेशियो में पूछता है कि कहीं से रेशियो आपको पता करना है तो कैसे आप रेशियो पता करेंगे। तो रेशियो निकालना बहुत ही अच्छा टॉपिक है रेशियो में, अभी आपको पूरा इससे जुड़े हुए कई टॉपिक मिलेंगे रेशियो से। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है, एक कॉलोनी में 300 लोगों की सर्वे कराई जाती है, उस 300 लोगों के सर्वे में 72 लोग एक्शन मूवी देखते हैं, 60 लोग हॉरर मूवी देखते हैं, और 48 लोग रोमांटिक मूवी देखते हैं, और बाकी बचे हुए लोग कोई भी मूवी नहीं देखते हैं। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमने एक क्वेश्चन बोला कि टोटल जो लोग हैं कॉलोनी में जो सर्वे कराई जाती है वो कितने लोगों पे कराई जाती है, 300 लोगों में कराई जाती है, और इसमें एक्शन मूवी देखने वालों की संख्या, जो ये 300 लोगों पे सर्वे होता है, टोटल लोगों पे जो सर्वे होता है, इसमें एक्शन देखने वालों की संख्या 72 है, एक्शन मूवी को पसंद करने वालों की संख्या 72 है, हॉरर मूवी को पसंद करने वालों की संख्या, हॉरर मूवी को पसंद करने वालों की संख्या 60 है, और रोमांटिक मूवी को पसंद करने वाले की संख्या, रोमांटिक की पसंद करने वाले की संख्या 48 है, रोमांटिक मूवी को पसंद करने वाले की संख्या 48 है, नो वॉच एनी मूवी, कोई भी मूवी ना देखने वाला का अगर हम निकालेंगे, कोई भी मूवी ना देखने वाला, क्योंकि कुछ लोग कोई भी मूवी नहीं देखते, कोई भी मूवी ना देखने वाले, तो ये कितना हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 48 हो गया, 72 हो गया, तो 48 और 72 कितना हो जाएगा, 72 और 8 80, और इसके बाद इसको रहने दीजिए, अभी आपको निकालना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन पहले मैं बोल देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है, पहला आपको ज्ञात करना है, देन फाइंड आपको क्या पता करना है। तो पहला पता करना है कि एक्शन का रोमांटिक से अनुपात क्या है, एक्शन मूवी का रोमांटिक मूवी से क्या अनुपात है, यानी कि एक्शन मूवी देखने वालों का रोमांटिक मूवी देखने वालों से क्या अनुपात है। इसके बाद दूसरा निकालना है आपको कि रोमांटिक मूवी देखने वालों का हॉरर मूवी देखने वालों से क्या अनुपात है, और तीसरा है कि हॉरर मूवी देखने वालों का कोई भी मूवी ना देखने वाले, नो वॉच एनी मूवी, कोई भी मूवी ना देखने वाले से अनुपात क्या है। तो आप देखिए, हमने देख लिया था कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें देख लिया कि दो टोटल लोग कितने हैं, 300 है, एक्शन मूवी देखने वाले 72, हॉरर मूवी देखने वाले 60, और रोमांटिक मूवी देखने वाले 48 है। तो इनमें हमको क्या है कि हम देखेंगे नो वॉच एनी मूवी, यानी कि कोई भी मूवी ना देखने वालों की संख्या। तो आप बोलोगे सर 72 और 8 80 और 40 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 हो गया, और टोटल लोगों पे सर्वे कितना हुआ था 300, तो 300 में से अगर आप 180 घटा देंगे तो कोई भी मूवी ना देखने वालों की संख्या कितनी आ गई, 120। अब आप इजीली इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। यहां से पहले का रेशियो क्या होगा, एक्शन और रोमांटिक का, तो एक्शन में कितने हैं, 72 लोग एक्शन देख रहे थे, और रोमांटिक कितना देख रहे थे, 60। तो आप इसको काटोगे, दोनों में कॉमन है 12, तो 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6:5। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है कि रोमांटिक का हॉरर से क्या अनुपात है, तो रोमांटिक मूवी का हॉरर से अनुपात देखेंगे, तो रोमांटिक देखने वालों की संख्या 48 है और हॉरर देखने वालों की संख्या 60 है, तो आप बोलोगे सर कि 12 × 48 और 12 × 5 = 60, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि हॉरर मूवी का कोई भी मूवी ना देखने वालों से अनुपात, तो हॉरर मूवी देखने वालों की कितनी संख्या है, 60 है, और कोई भी मूवी ना देखने वालों की संख्या क्या है, 120 है, तो ये हो जाएगा 60 120, यानी कि ये आ जाएगा 1:1।
टू। तो यही है आपका रेशियो। एक अच्छा क्वेश्चन मैंने कराने का प्रयास किया और आप इसको अच्छे से समझिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये और इसके लिए आपको मेहनत करना है। मैं आगे और भी बताऊंगा चीजें। तो चलिए यही तक। नमस्कार।